सोलन तो जिले के औद्योगिक क्षेत्र परमाणु में अब तक डायरिया के करीब 250 मामले सामने आ चुके हैं ई एस अस्पताल परमाणु में प्रतिदिन डायरिया के मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं करीब 30 मरीज अस्पताल में दाखिल हैं वहीं डायरिया फैलने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है वह पानी के सैंपल जाँच के लिए भेजे गए हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजन उपल ने बताया कि अधिकतर लोगों को घर पर ही दवाइयाँ दी जा रही हैं उन्होंने कहा कि पानी के सैंपल लिए गए हैं जिन जगहों पर टैंकरों से पानी की सप्लाई आती है वहां पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है जो परमाणु में डायरिया फैल गया है चार पाँच दिन से इसके केसेस इंक्रीज हुए हैं पर ज़्यादा केसेस हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे हैं ये माइल्ड ग्रेड का ही डायरिया है और मोस्पलोसी कोई पानी के इन्फेक्शन की, की वजह से हो भी सकता है पानी के सैंपल्स हमने ले लिए हैं पर कुछ ये भी देखने में पाया गया है कि सारी जगह हिमोडा की सप्लाई नहीं जा रही है कई जगह होटल्स वगैरह में टैंकर्स की भी सप्लाई जा रही है उनके सैंपल्स के लिए भी विशेष ध्यान अब किया जा रहा है और आईसी एक्टिविटी जो है वो हमारी काफ़ी तेज़ हो गई है सब लोगों के न, को हमने मेडिसन्स और ओ के पैकेट प्रॉपर कर अभी तक ढाई सौ के करीब पेशेंट हैं पर मैंने वही आपको बताया कि जैसे हॉस्पिटल आते हैं दवाई लेते हैं घर चले जाते हैं तो ऐसा घबराने की नहीं है पर हमारा लोगों से यही अपील है कि वो घर का ही खाना खाएं बाहर का अनावश्यक खाना मत खाएं और शौच के बाद बार भी हाथ ज़रूर धोएं और दिन में तीन चार बार हाथ जरूर